नमस्कार विद्यार्थियों, एनवी डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रेमलता अपनी क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने अपनी क्लासों को इन वीडियो के माध्यम से आपको आप तक पहुँचाया है, उसी तरीके से मैं अपने प्रयास पर प्रयासरत हूँ। तो मेरी इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है मेरी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ से रिलेटेड तो है, लेकिन इसके अलावा आपकी साइकोलॉजी के कुछ पार्ट भी इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि आत्म विकास क्या होता है, आत्म विकास के संप्रत्य क्या है, आत्म विकास में किन किन चीजों से आत्म विकास डेवलप होता है, जैसे ज्ञान, प्रत्याशा और मूल्यांकन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं अपने आप पर डेवलपमेंट करने के लिए, आत्म विकास को विकसित करने के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो मेरा है कि जो आत्म विकास विविध अवस्थाओं में जो जो अवस्थाएं बचपन से लेके वृद्धावस्था तक चलती हैं, आत्म विकास में 13 से 20 की जो आयु होती है बालक की, उस समय तक आत्म विकास हो लेता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विविध अवस्थाओं में स्वयं आत्म विकास कैसे होता है, आत्म संप्रत्य स्वयं द्वारा बनाया हुआ एक मानचित्र है, आत्म विकास है वो स्वयं द्वारा बनाया हुआ एक मानचित्र है, यानी कि स्वयं से ही स्वयं की अवधारणाएं जब डेवलप होती हैं तो अपने आत्म विकास का आत्म विकास डेवलप होता है। तो हम इस विकास को जन्म के, ये जो हमारा आत्म विकास है, इसको जन्म के एक वर्ष के पश्चात, यानी आत्मा का जो विकास है सतत चलता है, क्रमबद्ध तरीके से चलता है। किस किस उम्र में कौन कौन से बदलाव आते हैं इनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और जो भी चीजें हैं ये हमारी रीट में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में इस टॉपिक की जो भी चीजें हैं, क्या पता इसमें से एक क्वेश्चन उठ किया जाए, पता नहीं है चार क्वेश्चन उठ किया जाए, लेकिन ये चीजें आपकी क्लियर यहाँ होती हैं। तो आज हम इसको ध्यान से पढ़ते हुए पढ़ेंगे कि आत्म विकास किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी किन किन अवस्थाओं में आत्म विकास होता है। तो प्राथमिक जो आत्मा है, जो प्रथम आत्मा जो डेवलप होती है, जिसको संज्ञा दी जाती है, वो बालक की प्रारंभिक अवस्था में जिस आत्मा का निर्माण होता है उसे प्रारंभिक आत्मा अवस्था की संज्ञा दी जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक आत्मा अवस्था की संज्ञा हम किसे देंगे, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि बालक की प्रारंभिक अवस्था जिस आत्मा का निर्माण होता है, जिससे उसकी आत्मा का निर्माण 1 से 2 वर्ष की मानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि आत्म विकास की अवस्थाओं को निम्न प्रकार से किस प्रकार से वर्गीकृत यहाँ पे किया गया है। तो हमारा जो पहले हम लिखेंगे अवस्था, कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक होती है, उस अवस्था में कौन कौन
आपको बताएगा कि नहीं, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी है, उसको पता है कि वो उसके खेलने की चीज है, उसके अंदर एक डर है कि कहीं से कोई लेना जाए वापस। तो सेकंड आता है हमारा बचपना अवस्था। बचपना अवस्था जो होती है ये होती है 3 से 5 वर्ष तक। इसके अंदर अंतर्गत बालक में आत्म विकास की पहचान विकसित होने लग जाती है, यानी कि आंतरिक परिवर्तन होते हैं बच्चे के अंदर वो 3 से 5 वर्ष की आयु, यानी कि जो उसके जो वो छोटा जितना छोटा है तो वो स्वार्थी है। उसके बाद वो कुछ चीजों को डेवलप करने लग जाता है, कुछ चीजों से समझ में आने लग जाती है, क्योंकि उसके जो इंटरनल संवेद है, इंटरनल जो चेंज उसके होते हैं, उनके माध्यम से वो अपने आप का डेवलपमेंट बच्चे का होने लग जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था बच्चे की होती है 6 से 12 वर्ष की मानी गई। देखिए स्टूडेंट्स, इस 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक कैसा होता है कि वो ये सोचता है कि मैं, मुझे जो चीज आती है वो शायद किसी को नहीं आती, मैं जो कर सकता हूँ वो शायद कोई नहीं कर सकता। इस तरीके की चीजें बच्चे के अंदर होती हैं। कब? 6 से 12 वर्ष की जब आयु होती है, इस अवस्था में बालक के आत्मसम्मान जागृत होता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने पहली क्लास में आपको आत्मसम्मान, स्वाभिमान के बारे में पढ़ाया था कि स्वाभिमान होता है ये डेवलप होने लग जाता है कब? 6 से 12 वर्ष की आयु में। 6 से 12 वर्ष की आयु में जो आत्मसम्मान है, बच्चे 6 से 12 वर्ष की आयु में होते हैं जब तक सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें आत्मसम्मान की भावना है सिर्फ और सिर्फ डेवलप हुई है, अभी उसका उनको कुछ अंदाजा नहीं है कि उसका उपयोग, उसको में जो चीजें आ रही हैं उनको मुझे कैसे जानना है और किस प्रकार, यानी कि उनको जानकारी कम होती है और डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस अवस्था में बालक आत्म सम्मान की, अपने जो उसे आत्मसम्मान मिल रहा है या वो किसी को दे रहा है या स्वयं को कुछ करने की कि मैं कुछ करूं, इस तरीके की चीजें उसके अंदर डेवलप होने लग जाती है। इससे बच्चा क्या है कि उसे पता है कि इस 6 से 12 वर्ष की आयु में उसने जो अब तक सीखा है तो वो उसके अंदर समझो कि बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि उसका, फिर से वही बात आती है कि उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेट करना है, मोटिवेट वो स्वयं कम होगा तब उसको आगे से उसके गार्जियन, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले तब उसको मोटिवेट करेंगे तो वो अंदर से मोटिवेट होगा। देखो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि हम इंसान की छवि कब निर्धारित करते हैं, किसी बच्चे की छवि निर्धारित कर दी वो होशियार है और किसी बच्चे की छवि हम निर्धारित करते हैं कि ये बहुत गंवार है। तो इस तरीके की छवि जब उसके अंदर हम, उसका विकास तो हो चुका लेकिन उसको मोटिवेशन आगे जिस तरीके का मिलेगा वो उसी तरीके का अपना सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किशोरावस्था। देखिए स्टूडेंट्स, अवस्था किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, जो भी अवस्थाएं आगे हैं उनका मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है क्योंकि मैं आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ इस समय मैं आपको अंडरस्टैंडिंग का सेल्फ समान पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आत्मविकास करा रही हूँ। पूरा टॉपिक आप क्लियर करें। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा परेशान करता है। कुछ बच्चे होते हैं, वाकई में ऐसी चीजें प्रत्येक स्टूडेंट में तो नहीं होती लेकिन कुछ स्टूडेंट में होती है, वो वीडियो को देखते ही कहने लग जाएंगे अरे मैडम ने गलत पढ़ाया है, अरे आप वीडियो को एंड तक देखिए, मैडम ने गलत नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैडम ने भी पढ़ के पढ़ाया है तो गलत कहां से पढ़ाया होगा। तो आप अपने आप को धैर्य में रखिए, परेशान ना हो सारी चीजों को। मैं यहाँ फिर से कह रही हूँ, साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का सेल्फ का है, स्वयं का विकास है, अपने पूरा सर्वांगीण विकास नहीं है, ओनली फॉर आत्मा का विकास मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। आत्मा का विकास किशोरावस्था तक यहाँ बताया है। किशोरावस्था होती है वो 13 से 20 वर्ष की आयु उसमें बताई गई है। इस अवस्था में बालक होता है वो परिपक्व अवस्था में जाने की के लिए प्रयासरत रहता है। वो क्रमबद्ध तरीके से, देखिए ये विकास है, ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसको जो ये 13 से 20 वर्ष की आयु इस अवस्था में आत्म विकास का गुण है वो परिपक्व होता है, परिपक्व होता है और इस अवस्था में बालक का समाजीकरण होता है। यानी कि अब तक बालक क्या सोच रहा था, स्वयं अपने आप से अवगत हो रहा था कि मैं कोई
यदि हम इस एज में विद्यार्थियों को सही गाइडेंस देंगे तो हम उस बच्चे को, बच्चा देखिए बच्चे की इंटेलिजेंसी किसी भी प्रकार की हो, गाइडेंस अगर सही प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को मिलता है तो वाकई में जो हम उम्मीद उससे करते हैं उसे हम करवाने में सक्षम हो पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वाकई में वो कर पाता है, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसे हम करवा सकते हैं। खेल किसका है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका जो ये सब्जेक्ट है, जितने भी पेपर होने वाले हैं, सेकंड ईयर हो फर्स्ट ईयर हो, उसमें सबसे पहले जो आपकी टीचिंग जो होता है, आपका टीचिंग का जो पेपर होता है, जो उसका आपका ऑप्शनल होता है, उसके अंदर एक प्रश्न जरूर अवश्य ही यह आता है कि क्या, कि बनने वाले शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने भी एग्जाम नहीं दिया, शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे मेरे सेकंड ईयर में आ चुके हैं उनको पता है कि वाकई में जो सब्जेक्ट, या वो साइंस हो, मैथ हो, आर्ट हो, या फिर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी हो, एक प्रश्न तो अवश्य आता है कि शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए भी हमें अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को जानना होगा। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को बीएड में डालने का मकसद और सिर्फ एक ही है स्टूडेंट्स, कि हम बनने वाले शिक्षाविद ऐसे बने कि आने वाले विद्यार्थियों को हम अच्छे तरीके से उनका सर्वांगीण विकास करने में, जो विकास उनका हो रहा है उसको करने में अपना भी प्रयास करें। ठीक है, तो हम आपको किशोरावस्था में बच्चे का जो समाजीकरण होता है तो फिर वो बच्चा उसी तरीके से, ये चीजें समाज से होती हैं, विद्यालय से होती हैं, कॉलेज से होती हैं, परिवार से होती हैं, दोस्तों से होती हैं, सारा डेवलपमेंट अब उसका किशोरावस्था में इन इन प्रतिबिंबों पे चलेगा, यानी कि इन इन जगहों पे विचलित करता हुआ चलेगा। बच्चे को सही गाइडेंस की जरूरत होती है, उस जगह पर उसे सही गाइडेंस अगर मिलता है तो बच्चा वाकई में सफल और सक्षम इंसान बन जाता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को मैं यही खत्म करते हुए